रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? यकीन आप अल्लाह के फजल करम से ठीक हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद वसल्ली ताला इब्राहिम वाला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद ताला इब्राहिम वाला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। आज हमारे लेसन का टॉपिक है जलालतुल मलिक की फैसल मुअज्जम रहमतुल्लाह, यानी कि बादशाह फैसल मुअज्जम रहमतुल्लाह ताला अलैह कद है काना थे अलमफूर मरहूम लाहू उसकी, यानी कि अल्लाह ताला उनकी मगफा फरमाई, जिसको मरहूम भी कह सकते हैं। फैसल बिन अब्दुल अजीज़, फैसल बिन अब्दुल अजीज़ जो कि मरहूम थे या उसको कह सकते हैं, अल्लाह उनकी मगफा फरमाए। मिन से खैराती बेहतरीन थे, अर रिजाली आदमियों में से इंसानों में से बेहतरीन थे, अलकफाई और बहुत ज़्यादा बुलंद थे, वज़ुमाई और लीडर थे, अलामी बुलंद लीडर थे, वलकादा थी और रहनुमा थे, अफजाजी यानी कि एक मुनफरिद लीडर थे, अल्लाजी ने जिन्होंने यसनाऊना बनाया, अल तरीक़ा तरीक बनाई, व यसजिलूना और रकम की, अल इमजादा बड़े बड़े कारनामों को रकम किया, फिर सफातिल तरीकी तरीक़ के सफ़ात पर उन्होंने बड़े बड़े कारनामों को रकम किया। वका हाजा और यही वो थे, काना थे हाजा ये अल मालिकू यही वो बादशाह थे, तारा का जिन्होंने छोड़ा असरन असरा छोड़े, फिल तारीखी इस्लामी इस्लामी तारीख में बहुत अजीम उन्होंने असरा छोड़े, अल मुआसिरी जदीद इस्लामी तारीख में बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने असरात को छोड़ा है। ला नहीं यमकिन ये मुमकिन ही नहीं है तजाहु लूहू कि हम उनको इनकार करें या उनसे गाफिल रहें, गाफिल रहना या इनकार करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। कद बुलीदा पैदा हुए फैसल बिन अब्दुल अजीज़, फैसल बिन अब्दुल अजीज़ पैदा हुए भी मदीनत रियाज, रियाज के शहर, फी शहरी महीने में, सरफर सफर मुजफ्फरी यानी कि सफर मुजफ्फर के महीने में, सन 1324 या 1906 में वो पैदा हुए। व तरबा और तरबियत की उनकी, फी में बैती घर में, जद्दी ही उनके नाना, मिन से जहती तरफ से, उम्मी उनकी माँ की तरफ से, अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ़, अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ़ उनके नाना उनकी माँ की तरफ से, उनके नाना ने उनकी तरबियत की, व तरबियतन और तरबियत की दीनियात दीनी तरबियत की, फतलक्का पस उन्होंने सीखे, मीनू उनसे असूला असूल अल दीनी दीन दीन के असूल, हनीफी दीन हनीफ़ के असूल सीखे, व और मुबादिया और असूल सीखे, अलूमी अलूम के असूल सीखे, जिसको हदीस के अलूम भी कह सकते हैं। कामा जैसा के तरबा उन्होंने सीखा, आला पर वालिद ही अपने वालिद अल करीम, वालिद मोहतरम या वालिद करीम मगफूर लाहू अल्लाह उनकी मगफरत करे, अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से उन्होंने अपने वालिद से उन्होंने तरबियत हासिल की, फतलक का पास उन्होंने सीखे, मीनू उससे दरूसा दर्स सीखे, अल इखलाक करीमा इखलाक करीमा के दर्स हासिल किए, आलियातन बुलंद उन्होंने बुलंद अखलाक करीमा के दर्स अपने वालिद मोहतरम से हासिल किए, मिनल करामी जिनमें से रहनुमाई थी, जिनमें से करम था, अल सखाती सखाई यानी सखावत थी, हुसन मामलाती बेहतरीन मामला थे, पर सियासती और सियासती, व इज़्ज़त नफ्सी और इज़्ज़त नफ्स था, व जबाला और अपनी तबीयत के जब फितरी तौर पर तबीयत के लिहाज से आदत के लिहाज से, आला खिदमती आपने खिदमत की, अल दीनी दीन की खिदमत की, वल आलम इस्लामी और आलम इस्लाम की आपने खिदमत की, व काना थे यम ताज़ु और मुमताज़ हो गए, बिल तवाज़ु आप मुमताज़ थे तवाज़ा करने में, वल हिलमी बुर्दबादी में, व तसामाऊ और आप बहुत ज़्यादा सच बोलने में यानी कि लोगों की खिदमत करने में आप बहुत ज़्यादा मुमताज़ हो, या इसका ये भी है माफ़ करने में, बुर्दबादी में तवाज़ा करने में और माफ़ करने में आप बहुत ज़्यादा बुलंद थे। कामा जैसा कि अन्ना हो बेशक काना थे, यूहबू आप पसंद करते थे, अलबसाता था सादगी को, वल सराहता और सच्चाई को आप पसंद फरमाते थे, व यकरा हुआ और आप नापसंद करते थे नफ़रत करते थे, बेतबीयत अपनी तबीयत के लिहाज से, अल तरफा बहुत ऐश परस्ती को, वल बजाहा और तकबर को, वल मुजाहिरा और मुजाहिरा करना, अल काजिबात झूठी यानी कि झूठी दिखावा कर झूठा दिखावा करने को और तकबर को, और आप ऐशो इशरत को अपनी तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे। लाकत थे काना थे हयातु ज़िंदगी अल मालिक बादशाह फैसल, फैसल बादशाह की ज़िंदगी थी, फी में जमी सारे के सारे मराहिला मरहलों में हयात ज़िंदगी अलबाला एक हीरो की, अलाजीम एक अजीम हीरो की,
बादशाह फैसल की सारी की सारी जिंदगी, जिंदगी के तमाम मरहलों में एक अजीम हीरो की जिंदगी थी। वह काना थे मुनजू अवाइली, पहल शुरू में ही शबाबी अपने जवानी के शुरू में ही थे। उन्होंने मददगार थे अल अभी ही अपने वालद की फी में तसीसी बनाने में अल ममलकाती ममलकत को, यानी कि उनकी हुकूमत को बनाने में अपनी जवानी के शुरू में ही अपने वालद के मददगार थे। बाबाजाह अपने तवज्जो की मालिक बादशाह इंतरा इंग्लिस्तान के बादशाह जॉर्ज खामिस ने इंग्लिस्तान के बादशाह ने अकबर नहायाती खात्मे पर अल हरबी जंग के खात्मे के बाद अल उज़्मा बड़ी अजीम अल औला पहली सनाता 1918 में बड़ी जंगे अजीम के खात्मे के बाद इंग्लिस्तान के बादशाह जॉर्ज खामिस ने दावतन दावत दी रस्मियातन हुकूमत जिनके गवर्नमेंट की तरफ से इला जानी मलक अब्दुल अजीज़ को दावतनामा भेजा, सरकारी तौर पर दावतनामा भेजा ली ज़ियारती ताकि वो ज़ियारत कर सके, फिर आसिमाती दारुखलाफा की ताकि वो उनके दारुखलाफा की ज़ियारत कर सके, ली युकरुमाहू ताकि वो इज्जत उनकी इज्जत की जाए, वया ताफी भी और इसके ज़रिए उनका एहतराम किया जा सके, ली मौकफ ही इस मौकफ़ की वजह से अन्नबीली इस शानदार मौकफ़ की वजह से अबाना ख़त्म हो गई, तिल का ये अल हरबी इस जंग का खात्मा हो गया। फलब्बा पस आपने लबई कहा कबूल कर लिया अल दावत आ दावत को, पस आपने उनकी दावत को कबूल किया। वह अख्तारा और आपने चुन लिया नखलाहू अपने बेटे फैसल आप अपने बेटे फैसल को चुन लिया। ली युमसिलुहू वरा ताकि वो उसकी यरासा ताकि वो उसकी सरबराही कर सके। अलबा आसा था वफद के तौर पर असियासा था सियासी ताकि आप सियासी वफद के तौर पर आप उसकी नुमाइंदगी कर सके और उसकी आप सरबराही कर सकें। अल्लाह ती जिन्होंने अंतदा बहा और उन्होंने उनको बुलाया ली मौकफाती इस मौके की वजह से आपने उनको बुलाया बहु और वो फिर अभी आता अशराता 14 मीन उमरी उम्र जबकि वो उस वक्त अपनी उम्र के 14वें साल में थे। बच्चों आज ये हम अपना आज इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। इसका जो अगला हिस्सा है मैं नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन आपको इसका दूंगी, ये थोड़ा समझ के करने वाला है इसलिए आज मैंने हाफ लेक्चर आपको दिया है और नेक्स्ट में आप इसका अगले जो आपका लेक्चर होगा हाफ तब आप सुनेंगे। काइंडली आप बच्चों बड़ी तवज्जो के साथ इसको पढ़िए सुनिए और उसके बाद अपनी असाइनमेंट अगर इस दफ़ा किसी बच्चे ने मिस किया तो फिर आपको जाहिर है पनिश हम क्या दे सकते हैं, अपना ही नुकसान करेंगे आप। तो काइंडली प्लीज़ आप तवज्जो से सारे बच्चे इस पर अपने लेक्चर की तरफ आइए और असाइनमेंट भी चेक करवाइए। ओके अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।